देखिए हमारे पास ये मोबाइल आया है, नोट 5 मॉडल है ये, बोर्नियो स्कीमेटिक में इसका जो नाम है रेडमी 5 प्लस। ऑन करके तो दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि हेडफोन सिंबल आ रहा है। ये देखो यहाँ पे हेडफोन का सिंबल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है हेडफोन का सिंबल है यहाँ पे, देखो हेडफोन का सिंबल। तो इसको हम लोग डायग्नोस करेंगे। चलो इसका जो हेडफोन का जो पिन है इधर, ये उसका हेडफोन का पिन। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, इसका जो डिटेक्शन पिन है उसमें कोई शॉर्टिंग हो या फिर ओपन हो होने के वजह से, या फिर ये लाइनिंग अगर कुछ मिसिंग हो या फिर इसमें वोल्टेज नहीं जा रहा हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पे कोई काम किया हुआ है, यहाँ पे पहले से कुछ काम किया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये जो पिन में कोई जम्पर लगाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डायग्नोज करते हैं, इसका जो GR है वो GR लेते हैं, कोई शॉर्टिंग है कि नहीं, इसका जो पिन सब है पिन में कोई शॉर्टिंग है कि नहीं। तो चलते हैं इसका शॉर्टिंग चेक करने के लिए, पहले बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा। तो बैटरी को मैं रिमूव कर दिया और शॉर्टिंग चेक कर दिया। यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करने के लिए मैं वॉचर रेंज में मल्टीमीटर पर रखूँगा और ये जो पिन है सारे पिन को मैं चेक करूँगा। देखिए यहाँ पे तो शॉर्टिंग है, 28 रीडिंग है और शॉर्टिंग बच रहा है यहाँ पे, नहीं शॉर्टिंग इधर। हाँ ये तो ग्राउंड है, ये तो 0.6 का ये ग्राउंड है, यहाँ पे भी ग्राउंड है, यहाँ पे तो ग्राउंड नहीं है, ये शॉर्टिंग है 0.12 12.3 मतलब कुछ शॉर्टिंग है यहाँ पे, ये तो ग्राउंड है 6.5 मतलब ये ग्राउंड है यहाँ पे कुछ रीडिंग नहीं है मतलब ये ओपन है चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे शॉर्टिंग है और यहाँ पे शॉर्टिंग है, ये दोनों पिन हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो चलो हम लोग बनिए उसके बाद टीम में इसका लाइन जो है, ये दो लाइन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ये दो लाइन में यहाँ पे निकाल के हार्डवेयर सेंसर देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो रेड कलर का, यहाँ पे एक रेड कलर का जो लाइन है ये जा रहा है किधर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक अच्छा लाइन में भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए हेडफोन डिटेक्शन HS डिटेक्शन हैंड्स फ्री डिटेक्शन, ठीक है। तो ये CTC कोडेक का इसी का जो सेक्शन है, यहाँ पे डिटेक्शन DET मतलब डिटेक्शन लाइन है, ये डिटेक्शन हो रहा है मतलब यही जो शॉर्टिंग है इसीलिए ये डिटेक्शन हो गया। मतलब यहाँ पे अगर शॉर्टिंग होगा, शॉर्ट किया जाएगा ये यहाँ पे, ये जो वोल्टेज को अगर शॉर्ट किया जाएगा तब ये डिटेक्शन होगा, ठीक है। इसका जो फंडामेंटल है ये डिटेक्शन लाइन में, यहाँ पे वोल्टेज को 1.8 वोल्टेज को ये शॉर्टिंग कर देगा, जब शॉर्टिंग होगा तब ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्शन आ गया है। और एक क्या बात है, और एक बात है हमारा ये वाला पिन है हमारा शॉर्टिंग, ये वाला पिन क्या है देखते हैं। ये जो ग्रीन कलर का ये के रजिस्टर होके यहाँ पे के कॉइल होके यहाँ पे के डायोड यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, तो ये हमारा कौन सा पिन है, यहाँ पे माइक इन पॉजिटिव, ठीक है, माइक इन पॉजिटिव, यहाँ पे माइक का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो शॉर्टिंग होने के वजह से ये माइक का भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसका जो माइक है वो माइक नहीं काम करेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा लाइन क्या है, देखो ये लाइन किधर जा रहा है, यहाँ पे के डायोड जो है यहाँ पे ग्राउंड हुआ है, और ये जो लाइन है ये लाइन किधर जा रहा है, देखिए ये रेड कलर और ग्रीन कलर ये दोनों लाइन को हम लोग मार्क करेंगे, ये किधर जा रहा है, देखिए ये ग्रीन कलर गया है हमारा एक यहाँ पे एक रजिस्टर या फिर नहीं, ये कोई यहाँ पे कुछ कैपेसिटर रजिस्टर नहीं है, डायरेक्टली ये गया है हमारा पावर AC के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर का जो है यहाँ पर ये 20K का रजिस्टर यहाँ पे एक रखा हुआ है, ये 20K रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन किया गया है। और देखिए ये जा रहा है किधर, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका कनेक्शन किधर किधर है, देखिए ये HS डिटेक्शन भी
ये जो लाइन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा है, इसको दूसरे तरफ मतलब बोर्ड के दूसरे तरफ में इसका जो एक लाइन है ये है, और यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड भी हमारा ग्राउंड में है, मतलब यहाँ पे सेटिंग हो सकता है, ये तो सेटिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपका कॉइल है। तो दोनों डायोड है, दोनों डायोड को हम लोग निकाल के देखते हैं ये इसका शॉर्टिंग हटा या नहीं, नहीं तो डायरेक्टली ये पावर एसी के साथ कनेक्टेड है या डायरेक्ट हम लोग पावर एसी को उठाना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं ये जो दोनों डायोड है डायोड को मैं हटा के एक बार देखता हूँ कि यहाँ पे शॉर्टिंग ये हट रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों डायोड हटाने से हमारा शॉर्टिंग हट जाता है तो सही है, नहीं तो डायरेक्टली हमको ये जो पावर एसी है वो पावर एसी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हाँ चेंज करना पड़ेगा, उठा के देखना पड़ेगा शॉर्टिंग पावर एसी से होगा। तो ये यहाँ पे मैं एक जो डायोड है मैं इसको देखिए तोड़ दिया, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ ये डायोड को मैं तोड़ दिया ना, ये माइक पॉजिटिव का लाइन है, यहाँ पे जो ग्राउंड हुआ था ये ग्राउंड सेक्शन है, यहाँ पे देखिए ये चला गया है, यहाँ पे मेरा जो कनेक्शन था ये ओपन हो गया, मतलब ये ओके हो गया। अभी ग्राउंड है, अभी ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे मेरे को 12 रीडिंग आ रहा था लेकिन चला गया है। देखिए उसका जो इसका लाइन है, इसका लाइन इसका पीछे में है, ये जो डिटेक्शन लाइन है इसका पीछे में, ठीक है। तो चलो इसका पीछे में क्या करते हैं ना देखते हैं, इसको भी तोड़ देंगे ये जो ये वाला, ये वाला जो डायोड है उसको भी तोड़ देंगे क्योंकि यही एक डायोड है हमारा, ये सीरीज में जो पार्लरली यहाँ पे कनेक्टेड है, ये लाइन में एक ही डायोड जो है पार्लरली कनेक्टेड है। अगर कैपेसिटर होता उसको भी हम लोग हटाते, हाँ तोड़ना होता, हम लोग को तोड़ना होता वो गला। देखिए देखिए ये लाइन में रखिए, ये चला गया, ठीक है, देखो चला गया या नहीं बताओ। अभी मैं 90% श्योर देकर और 100% श्योर देकर बोलूँगा कि इसका जो हेडफोन सिंगल है वो चला गया रहेगा, वो हट गया रहेगा। ये जो कनेक्टर है ये कनेक्टर भी शॉर्ट होने से भी होता है, तो इसका कनेक्टर कनेक्शन किधर में देखेंगे, देखो इसके अंदर में भी अगर कुछ पानी या फिर कुछ मेटल आइटम अंदर गया रहेगा तो ये शॉर्ट किया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, इसके अंदर में कुछ इधर उधर सामान नहीं गया है, तो देखते हैं इसको चेक करते हैं एक बार, हाँ इसका चार्ज नहीं है, चार्जर लगा देते तो फिर से ऑफ हो जाए। साउंड भी आना जरूरी है, अगर हेडफोन सिंबल हो जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम होगा, साउंड नहीं आएगा, ये जो रिंगर है रिंगर का साउंड नहीं आएगा, लाउड स्पीकर में इसका काम होगा, ठीक है। देखते हैं इसका रिंगर भी रिंग बजेगा, और हेडफोन सिंबल वो यहाँ पे जो सिंबल साइन था वो साइन हट जाए, देखो यहाँ पे साइन जो है वो हट गया, ठीक है। यहाँ पे रिंग साउंड नहीं बज रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये म्यूट है, समझ में, देखो बजा, ठीक है, यहाँ पे हट गया, ये काम करने लगेगा, ठीक है। इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं बताओ जी सर, ठीक है।